राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र जयनगर में नायब तहसीलदार ने किसानों के साथ की अभद्रता। नायब तहसीलदार ने गेहूं की फसल को कहा कचरा, किसान बोले यह मेरी जान है। सागर जिले में ठंड में तुषार से खराब हुई गेहूं की फसल का सर्वे कराने की मांग को लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र की जयनगर के तहसील कार्यालय पहुंचे किसानों पर नायब तहसीलदार तमतमा गए। किसानों ने जैसे ही गेहूं की बालियों को कचरा बताया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। एक किसान ने नायब तहसीलदार के पैर छूकर सर्वे की मांग की तो वह गुस्सा हो गए और उस किसान को धक्का दे दिया और बोले, ज्यादा नौटंकी मत करो, क्या यह चुपचाप ज्ञापन दो। जयनगर तहसील के किसान ठंड में तुषार लगने से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले भी किसान इस संबंध में ज्ञापन सौंप चुके हैं। जयनगर के तहसील कार्यालय में किसान दूसरी बार किसान ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस बार वे खेत में लगे गेहूं की खराब हुई बालियां भी साथ ले गए। नायब तहसीलदार LP अहिरवार किसानों से बात करने आए तो सामने फर्श पर पड़ी बालियां देखकर तमतमा गए। तहसीलदार ने आते ही किसानों से कहा, कचरा यहां क्यों फैलाया, ज्ञापन शांति से दिया जाता है। किसानों ने कहा कि गेहूं की बालियां हाथ में लेने से नीचे गिर गईं, जिस पर तहसीलदार बोले, अभी साफ करो। इसी बीच बार बार गेहूं की बालियों को कचरा कहने से किसान भी नाराज हो गए। इस संबंध में नायब तहसीलदार RP अहिरवार से चर्चा करने पर उनका कहना है कि किसान पिछले एक सप्ताह में दूसरे बार सर्वे की मांग को लेकर आए। किसानों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। उनसे कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भेज दिया है, एक दो दिन बाद सर्वे कराएंगे, इस तो मैं कार्रवाई करूंगा। इसी विषय पर सागर कलेक्टर दीपक सिंह बोले, मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी। यदि तहसीलदार ने किसानों से दुर्व्यवहार किया है तो कार्रवाई की जाएगी। कचरा नहीं है वो, तो हम लोगों की जान है।